10 लाख? जी नहीं, ये किसी इंजीनियर का पैकेज नहीं बल्कि एक किसान की सालाना आय है। पंजाब के मुक्तसर साहिब के रहने वाले किसान बलविंदर सिंह भले ही 10वीं पास हैं, लेकिन उनकी सोच किसी बुद्धिजीवी से कम नहीं। तभी तो केमिकल फर्टिलाइजर वाली खेती को छोड़ उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका अपनाया और आज फल और सब्जियां उगाकर सालाना 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। दरअसल 1987 से खेती कर रहे बलविंदर को गेहूं और धान की खेती करते हुए ये महसूस हुआ कि इस फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। उन्हें 2011 में ऑर्गेनिक फार्मिंग और बागवानी के बारे में पता चला। उन्होंने पहले सिर्फ 2 एकड़ पर इस तरीके से बागवानी करना शुरू किया और धीरे धीरे खीरा, टमाटर, कद्दू जैसी सब्जियां उगाने लगे। 2 एकड़ का 30-40 हजार एकड़ 2 एकड़ पे खर्चा आया सर। तो मेरी उस साल मिर्च हुई थी 1.5 लाख की, तो मेरे को अच्छे पैसे बचे, पैसे एकड़ के बच गए पर सेल 2 एकड़ किया। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता गया वैसे वैसे बलविंदर ने और अधिक फल सब्जियां उगानी शुरू की। वो खाद के लिए गोबर और खट्टी लस्सी का उपयोग करते हैं। आज वो पूरे 10 एकड़ खेत में गोभी, टमाटर, मटर, प्याज, मूली, मेथी के साथ साथ कई फल भी उगा रहे हैं। साथ ही साथ वो काले गेहूं की खेती भी करते हैं। खेती हमारी सब्जियों की है, सीजनली सभी सब्जियां तैयार करते हैं, बिल्कुल एकदम रूढ़ी बागवानी। हमारे पास सभी प्रकार का फ्रूट है तकरीबन, जिसमें आड़ू आ गया, मौसमी आ गई, ड्रैगन आ गया, नाशपाती हो गया, सेब, लीची, बादाम। अब तो हाल ये है कि लोग खुद बलविंदर के खेत में आकर सब्जियां और फल खरीदते हैं। यहां तक कि जिला कलेक्टर ने भी बलविंदर के इस अनोखे मॉडल की तारीफ की थी। बलविंदर का कहना है कि किसान केमिकल फर्टिलाइजर युक्त खेती से बाहर निकलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।